नमस्कार, मौसम स्टेशन में आपका स्वागत है। मौसम स्टेशन में हम आपको रूबरू कराएंगे कि किस तरीके से किन किन इलाकों में साइक्लोन यास के कमज़ोर होने के बावजूद बारिश हो रही है। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं साइक्लोन बुलेटिन पर और उसके बाद देखते हैं कि जो सैटेलाइट इमेजरी है वो क्या कह रही है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आपको ये बुलेटिन दिखाते हैं जो मौसम विभाग ने जारी किया है सुबह सुबह, और इसमें घोषणा की गई है, द डीप डिप्रेशन ओवर साउथ झारखंड एंड एडवाइनिंग नॉर्थ इंटीरियर उड़ीसा मूव्ड नॉर्थ वेस्ट वार्ड विद अ स्पीड ऑफ 7 km/h ड्यूरिंग पास्ट 6 आवर्स। अब ये जो है जो डीप डिप्रेशन था वो और कमज़ोर होता चला जा रहा है, अब ये डिप्रेशन बन जाएगा, मतलब आज ये दोपहर तक डिप्रेशन बन जाएगा। डिप्रेशन का मतलब होता है कि आसपास से तेज हवाएं चलें। साथ ही साथ वार्निंग भी दी गई है, वार्निंग उड़ीसा में लाइट टू मॉडरेट रेन चलती रहेगी कई जगहों पर। कौन कौन सी जगह हैं? सुंदरगढ़, देवगढ़, क्योंझरगढ़, इन सब जगहों पर आज बारिश होती रहेगी, यानी कहीं 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 जगह पर हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल होगी और मॉडरेट रेनफॉल तो चलती ही रहेगी। झारखंड की बात करें तो झारखंड में लाइट टू मॉडरेट रेन एट मोस्ट प्लेसेज विद हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल एट आइसोलेटेड प्लेसेज 27 तारीख, यानी आज ही आज का की बारिश है झारखंड में। वेस्ट बंगाल में 27 तारीख के लिए कई जगहों पर बारिश की बात कही गई। बिहार और एडज्वाइनिंग ईस्ट उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ साफ साफ कहा गया है कि लाइट टू मॉडरेट रेन एट मैनी प्लेसेज विद हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल फ्रॉम 27th evening to 28th evening। यानी जो अगर हम बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, तो बिहार में आज कई जगहों पर जो है मॉडरेट रेन, मतलब 3 से 4 सेंटीमीटर की बारिश हो जाएगी, कई जगहों पर हैवी रेन हो सकती है। हैवी रेन का मतलब हुआ 8 से लेकर 13 सेंटीमीटर तक की बारिश। तो इस तरीके की बारिश होने का अंदेशा मौसम विभाग जता रहा है। बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए एक और ख़ास चीज़ कही मौसम विभाग ने कि सिर्फ आज ही आज नहीं, मतलब 27 तारीख को ही नहीं, 28 तारीख को भी वहाँ पर बारिश का सिलसिला बना रहेगा। चलिए अब आपको हम दिखाते हैं कि इस समय की स्थिति जो यानी जहाँ पर सिस्टम मौजूद है अगर हम उसकी बात करें तो उसकी लोकेशन बताई गई है, और एक बार नज़र डाल लेते हैं कि किस तरीके से ये तूफान शुरू हुआ और उसके बाद तूफान कहाँ कहाँ पहुँच गया। तो देखिए ये इसका मूवमेंट रहा, और इस मूवमेंट को आप देखते चले जाइए कि आज की तारीख में ये कहाँ पे बैठा हुआ है, ये झारखंड में, और झारखंड से ये मूवमेंट कर रहा है। ये देखिए मूवमेंट हो रहा है, किधर का मूवमेंट दिखा रही, मौसम विभाग का बुलेटिन कह रहा है झारखंड से ये सीधा बिहार की तरफ जा रहा है, मतलब अब इसका असर बिहार के एक बड़े इलाके में देखा जाएगा। तो यहाँ मैं आपको अब सैटेलाइट इमेजरी में दिखाता हूँ कि क्या चल रहा है आखिरकार चल क्या रहा है, क्योंकि 24 घंटे हो चुके हैं साइक्लोन यास उड़ीसा के तमाम इलाकों में तबाही मचाता हुआ झारखंड में दाखिल हो चुका है, कमज़ोर पड़ चुका है, डीप डिप्रेशन हो गया है, अब डिप्रेशन हो जाएगा, उसके बाद कम दबाव का क्षेत्र हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। चलिए आपको हम यहाँ पर दिखाते हैं कि किस तरीके से सैटेलाइट इमेजरी क्या कह रही है। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके के बादल हैं, यहाँ से अभी भी घूम रहे हैं, और ये बादल कहाँ तक जा रहे हैं आप देख सकते हैं कि यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश का एक बड़ा इलाका इस समय बादलों से घिरा हुआ है। साथ ही साथ बिहार, पूरा का पूरा बिहार घने बादल छाए हुए हैं। झारखंड की बात करें घने बादल छाए हुए हैं, और यहाँ पर हम पश्चिम बंगाल में भी बादल हैं, और उत्तरी उड़ीसा में भी कई जगहों पर घने बादल हैं और कई जगहों पर बारिश भी हो रही है। चलिए हिमालय की बात करते हैं। हिमालय का जो ऊपर का हिस्सा है, ये देखिए यहाँ पर वादियाँ दिख रही हैं बीच में, यानी हिमालय पर्वत पे जो बर्फबारी हुई है वो बड़ी आसानी से देखी जा सकती है, जम्मू कश्मीर और साथ ही साथ लेह लद्दाख की यहाँ पर हम बात करते हैं। और फिर आप हिमाचल आ जाइए, हिमाचल में भी देखिए जिन जिन इलाकों में बर्फबारी ऊपर हुई है वो सारी की सारी यहाँ पर बर्फ़ वाले पहाड़ दिख रहे हैं। यही हिसाब किताब यहाँ के लिए भी है, उत्तराखंड के लिए भी। लेकिन नेपाल की अगर हम बात करें तो नेपाल का एक बड़ा इलाका जिसमें काठमांडू भी शामिल है, और साथ ही साथ यहाँ पर एक बढ़िया चीज़ ये है कि पूरा का पूरा हिमालय, जो कि नेपाल का हिमालय हम कहें जिसमें माउंट एवरेस्ट भी है, उस पर होकर ये बादल जा रहे हैं। कहाँ तक जा रहे हैं ये देखिए, तिब्बत जा रहे हैं, तिब्बत तक ये पूंछ पहुँच रही है। देखिए थोड़ा सा जो है पूरा का पूरा ऐसा लग रहा है कि दूर तक इसकी पूंछ जा रही है, और इसका असर हम कह सकते हैं दार्जिलिंग सिक्किम पर भी जा रहा है, और यहाँ असम
कि कई इलाकों में, खासतौर पर अरुणाचल की बात करें तो अरुणाचल पर भी इसका इफेक्ट देखा जा रहा है। यानी ये साइक्लोन एक बड़े इलाके को प्रभावित कर रहा है और बहुत दूर तक प्रभावित कर रहा है, बिल्कुल साफ साफ यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये एक हम कह सकते हैं कि इलाके का जो मौसम है वो कहीं ना कहीं साइक्लोन ने बदला है। एक बार फिर से हम दिखाते हैं सरफेस विंड किस तरीके से चल रही है। अब जो लोकेशन है इसकी, झारखंड से बिहार की तरफ ये सिस्टम जा रहा है और ये सरफेस में चलने वाली हवाएं हैं। ये आप समझ सकते हैं कि 3 किलोमीटर तक जो हवाएं चल रही उनको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ये देखिए किस तरीके से घुमावदार है, और बिहार साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश और हिमालय के वो इलाके जो नेपाल में हैं वहाँ सब जगहों पर इस मौसम का असर पड़ रहा है। तो एक निश्चित तौर पर एक बार फिर से हम आपको दिखाएं कि किस तरीके से क्लाउड उमड़ घुमड़ रहे हैं, कहाँ कहाँ बारिश दे सकते हैं। तो एक बार अगर हम समराइज करें तो बिहार के तमाम इलाकों में, यानी पूरा का पूरा बिहार आप समझ लीजिए जो कि झारखंड से लगा हुआ है और ऊपर नेपाल से लगा हुआ है, दूसरी तरफ अगर देखें तो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ है और पश्चिम बंगाल से लगा हुआ है, तो बिहार का पूरा इलाका है घने बादलों की चपेट में रहेगा 27 तारीख यानी आज, और कल भी ये स्थिति बनी रहेगी उत्तर बिहार में। और इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो हम निश्चित तौर पर कह सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश का तमाम इलाका, जिसमें प्रयागराज, बनारस, बलिया, गोरखपुर, गोंडा, इस तरीके की जितनी भी जगहें हैं, बस्ती, तो इन सब जगहों पर घने बादल रहेंगे 27 तारीख को यानी आज। और जो हिमालय या नेपाल से लगा हुआ इलाका है उत्तर प्रदेश का, खास तौर पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का, वहाँ पर कल यानी 28 तारीख की शाम तक बादल रहेंगे और कई जगहों पर अच्छी खासी बारिश हो सकती है। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।